सुफियान भाई, मुझे FF की वैकेंसी लगी थी। मुझे दोबारा मेरे 23A में कोई वैकेंसी लग सकती या नहीं लग सके? कॉल आई थी 23A में, FF की वैकेंसी मेरी लगी थी। जब आप ये गलती कर बैठते, आया फिर दोबारा आपको मौका मिलता या नहीं मिलता? A to Z आप, और दोबारा आपने ये गलती नहीं करनी। जब आप ये गलती कर बैठते, आया फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये साइड के ऊपर आप कमेंट देख रहे होंगे। सुफियान भाई, मुझे FF की वैकेंसी लगी थी, मुझे कॉल आई थी 23A में, FF की वैकेंसी मेरी लगी थी, लेकिन मैंने वो जो मेडिकल टेस्ट कराने थे, एक भी मेडिकल टेस्ट नहीं किया। अब मेरी वैकेंसी नहीं लगेगी, ठीक है ना? अब दोबारा मेरे 23A में कोई वैकेंसी लग सकती या नहीं लग सकती? देखिए, यहाँ से बात को समझने की कोशिश करें, और दोबारा आपने ये गलती नहीं करनी। जब आप ये गलती कर बैठते, आया फिर दोबारा आपको मौका मिलता या नहीं मिलता? A to Z आपको समझाता हूँ इस वीडियो में। अगर पूरा देख लें तो इंशाल्लाह आप ये दोबारा गलती नहीं कर पाएंगे। अगर फिर से आप ये गलती करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई कॉल आ जाए, ठीक है ना? सबसे पहले बात होती है, जब आप पाक आर्मी में अप्लाई करते हैं, आपकी ख्वाहिश होती है कि मैं पाक आर्मी को ज्वाइन करूँ, किसी भी फोर्स को ज्वाइन करूँ, एज अ क्लर्क, एज अ नर्सिंग, एज अ सोल्जर, एनी वे, वट एवर, जो भी आपका वैकेंसी हो, ठीक है ना? उसके बाद फिर आपकी ख्वाहिश होती है कि मतलब मुझे जल्दी मेडिकल की कॉल आ जाए और मैं ट्रेनिंग पर चला जाऊँ। बेरोजगारी है, इसमें कोई दोराई वाली बात ही नहीं, ठीक है ना? हर किसी की ख्वाहिश होती है कि मैं जल्दी से जल्दी चला जाऊँ, आपके सामने कमेंट होते हैं, ठीक है ना? लेकिन जब आप उस सख्त दिन को गुजार लेते हैं, आपका मतलब मेडिकल हो जाता है, इनिशियल हो जाता है, ठीक है ना? इनिशियल आपका दौड़ हो जाता है, हर चीज़ आपकी हो जाती है, फिर आपको एक ही चीज़ का वेट होता है, और वो होता है मेडिकल कॉल की, ठीक है ना? जब आपको मेडिकल की कॉल आती है, तो मैंने हमेशा आपको ये कहा था कि दो चीज़ें को आप अपने जहन में रखा करें। पहले चीज़ होते हैं, जो आपने वहाँ पर फोन नंबर दिया होता है अपने वालिद का और अपना, ठीक है ना, कोशिश करें अपने बड़े भाई का दिया करें, ठीक है ना? क्योंकि उसका नंबर हर वक्त ऑन होता है, वालिदैन हमारे बूढ़े होते हैं, फिर वो बेचारे, उनको कॉल आ जाते हैं लेकिन उनको बात को समझ नहीं आती, ठीक है ना, या उनको सही तरह से वो सुन नहीं सकते। फिर मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि अपने बड़े भाई का नंबर दिया करें। दूसरी चीज़ आपकी होती है अपना नंबर। जब आपको अपने नंबर पर कॉल आती है, तो मैंने आपको हमेशा कहा है कि जो भी आपकी मसरूफियात हो, आप उसको ख़त्म करें। जब आपको अपने सेंटर के बारे में पता चल जाता है कि मतलब मेरे सेंटर का मेडिकल स्टार्ट हो चुका है, तो फिर आप जहाँ पर काम कर रहे हैं उस बंदे को आप आगाह कर दें कि मुझे कभी भी मेडिकल की कॉल आ सकती है, मैं आपसे अर्जेंट चला जाऊँगा, ठीक है ना? तो ये लड़का कह रहा है कि मुझे तो फिर से मौका मिल सकता है या नहीं मिल सकता। इसी तरह आज तक हुआ नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि जो भी लड़के होते हैं मेडिकल के लिए नहीं जाते, उनकी वैकेंसी चली जाती है, ठीक है ना? उनकी वैकेंसी, क्योंकि दूसरे लड़के मेरठ में होते हैं, ठीक है ना, उनके ऊपर आ जाते हैं और वो नीचे चले जाते हैं, ठीक है ना? करना आपने ये होगा, ठीक है, दोबारा आपने अप्लाई करना होगी मेरे लिहाज से, ठीक है ना? जिस भी सेंटर से आपने अप्लाई किया हुआ है, आप उनसे बात कर लें, अगर वो आपकी वैकेंसी को रिजर्व कर उन्होंने रखा हुआ है, तो हो सकता है आपको दोबारा वैकेंसी दे दें, लेकिन मुझे लगता नहीं कि आपको वैकेंसी दोबारा मिल जाए, ठीक है ना? वॉट एवर, अगर आपका किस्मत हो तो फिर आप तो चले जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि जब किस्मत इंसान का जिस चीज़ में लिखा हो उसमें चला जाता है। लेकिन ये मैं आपको हमेशा कहूँगा कि आपने बहुत बड़ी गलती की है, ठीक है ना? अगर आपकी ख्वाहिश थी कि मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो फिर आपने बड़ी गलती नहीं करनी थी, ठीक है ना? क्योंकि मेडिकल की कॉल जब भी आपको आती है, ठीक है ना, बंदा कोशिश करे कि उसको फ़ौरन से फ़ौरन करे, ठीक है ना, ताकि ये इंतज़ार वाली बातें जो होते हैं ना, ये फिर चले जाते हैं। एक चीज़ है जो मैं आपको अभी से बताने जा रहा हूँ कि जब भी आपको मेडिकल की कॉल आए और आप किसी ऐसे काम में बिजी हो, आपके पेपर हो, ठीक है ना, आपके स्कूल के पेपर हो, आपके कॉलेज के पेपर हो, तो फिर आपने क्या करना होगा। मेरे इधर ये खान में एक दोस्त है, मोहम्मद नुमान उसका नाम है, वर्कशॉप कलर की उसकी वैकेंसी लगी थी। उसने क्या किया, उसका मेडिकल था, ठीक है ना, और इधर से उसने खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के पेपर देने थे। तो फिर वो लड़का वहाँ पर सेंटर में गया, उसने बड़ी मतलब आजिज़ाना रिक्वेस्ट सेंटर वालों से किया कि सर, मेरे KMU के पेपर हैं, आप मेरे मेडिकल को 7 दिन के लिए डिले कर दिए, ठीक है ना? तो खुदा की कसम, मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि जब आप अच्छी तरीके से बात कर लेते हैं ना, तो फिर अगले सेंटर वाले जो होते हैं उनको बात की समझ आ जाती है, ठीक है ना? तो उन्होंने कहा था, ठीक है बेटे, आप 7 दिन बाद आ जाएं, लेकिन आपने 7 दिन बाद लाजमी आना है, ताकि आपका हम मेडिकल कर सकें और आपका मेडिकल प्रोसेस हम स्टार्ट कर सकें, ठीक है ना? ये एक चीज़ है, जब भी आप बिज़ी होते हैं तो फिर आप ये एक्सक्यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ जब आप उनको नहीं बताते, ठीक है ना, कि मेरे क्या मसले हैं, क्या मेरे मसले मसाइल हैं, तो फिर तो ज़ाहिर है, जब आप उनको आगाह ही नहीं करते, तो फिर तो मुझे नहीं लगता कि आपकी कोई वैकेंसी रहे या दोबारा अगेन आपकी वैकेंसी लग जाए, ठीक है ना? बाकी अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करें। मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी वो तो मैंने दे दी, बाकी अब बेहतर समझते हैं, ठीक है ना? तो बेरोजगारी है, मेरे ख्याल से इस गलती को ना करें दोबारा तो अच्छा होगा, ठीक है ना? चैनल पर पहली बार है, लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन प्रेस करें, ताकि बार बार इस तरह मिलते रहें, और कोशिश करें वीडियो को आगे शेयर करें, ताकि जिनको पता नहीं उनको भी पता लग जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।